आपसी खामोशी हमें साफ साफ कह रही है फातिमा कि दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना बनने के बाद उनका रिश्ता आपसे भी बदल गया है। शहजादी रजिया की खास सहेली अब एक सुल्ताना की गुलाम बस बन के रह गई है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मिर्जा? शहजादी का सुल्ताना बनने से इसका क्या वास्ता? आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शहजादी आपके साथ तो क्या, हमारे साथ भी बतौर सुल्ताना पेश नहीं आएंगी। आप जानना चाहते हैं ना शहजादी के साथ क्या हुआ? तो सुनिए, आपकी अम्मी हुजूर की लाई हुई हल्दी का ये कमाल है। पता नहीं आपकी सास कौन सी हल्दी लेकर आई है, आपके चेहरे की रंगत ही उड़ा दी उन्होंने। अगर मिर्जा हमसे मिलने की कोशिश करें तो उन्हें कोई भी बहाना बना के अंदर मत आने दें। हम नहीं चाहते कि वो हमें इस हालत में देखें और उन्हें उन्हें कुछ भी पता चले। खुदा करे कि ऐसा ख्याल जो आपके और शहजादी के दरमियान शक का बीज बोए कभी ना आए मिर्जा, कभी ना आए। हम शहजादी के खादिम हैं जनाब सुबेदार, आपके नहीं, शहजादी का हुक्म मानते हैं हम। इतनी फुर्सत नहीं हमें कि आपका पैगाम हम शहजादी को देते फिरें। बस उनका हुक्म है कि आप उनसे नहीं मिल सकते, आप उनसे नहीं मिल सकते। अपनी जबान को लगाम दीजिए याकूब। आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं? कौन है वो? मिर्जा, माफी मांगिए। अरे अरे, जाने दीजिए शहजादी। हो सकता है कल हम इनसे जिस बेरुखी से पेश आए उसी बात की नाराजगी है। होता है, चलता है, दुनिया है। पर हमारी दुनिया आपसे है मिर्जा। हम जानते हैं कि हमने ही आपको हुक्म दिया था कि जब तक हम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए मिर्जा को हमसे ना मिलने दिया जाए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आपसे इस तरीके से पेश आएंगे। अपनी होने वाली बेगम से इश्क लड़ा रहे हैं, इसमें बेशर्मी कैसे? और अगर इसमें किसी को बेशर्मी लगती है तो लगे हमारे भला से। इश्क करने वाले इश्क करेंगे और जलने वाले जल जल के मर जाएंगे। इस बात को आप कैसे इनकार कर सकती हैं बीबी जान? शहजादी रजिया की रगों में आपके शौहर के कातिल, आपके दुश्मन अल्तमश का खून दौड़ रहा है। खून तो अपना रंग एक दिन दिखाएगा जरूर। आदतन उसने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। चलो मिर्जा, करो इश्क में इंतजार बेशुमार। ये इंतजार बस इंतजार ही ना रह जाए जनाब सुबेदार।